This is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 EVS, we have revised the chapter 1 and we completed it, right? Humne chapter 1 revise kiya tha, things around us, and humne wo complete kar liya. In today's class, aaj ke chapter mein hum kya karenge? We started the chapter 2 also in the last video. Humne chapter 2 start kiya tha last video mein. ओके एंड आज उसे ही हम कंप्लीट करेंगे बिकॉज सम पार्ट ऑफ सम टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर दैट चैप्टर वॉज रिमेनिंग. तो चैप्टर का नाम क्या था? सेकेंड चैप्टर व्हाट वाज द नेम? चैप्टर का नाम था बेटा आवर इंटरनल ऑर्गन. ओके सो दिस वाज द नेम ऑफ द चैप्टर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस वन. ओके सो अब क्या हुआ था कि हमने बात की थी हार्ट की, हमने बात की थी ब्रेन की. वी स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रेन, हमने ब्रेन की बात की एंड देन वी केम टू हार्ट. हार्ट के बाद हमने लंग्स कंप्लीट किया और लंग्स के बाद हमने स्टमक के बारे में भी पढ़ा था, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू किडनी एंड देन मसल्स एंड देन बोन्स. सो किडनी, लेट्स टॉक अबाउट दिस. अब किडनी का रोल क्या है बेटा हमारी बॉडी में? व्हेन इट कम्स टू द किडनी, क्या करना होता है इसे, व्हाट इज द प्रोसेस? सो फर्स्ट वी विल टॉक किडनी किडनीज है. सो ह्यूमंस ह्यूमन बॉडी में यू विल फाइंड टू किडनीज. ओके दो किडनीज है हमारी बॉडी में, यू विल फाइंड इट. और ये कौन से शेप में होती है? सो वी हैव टॉक अबाउट दिस इन द, ये आपको पी शेप, आपको पी शेप में दो किडनीज बेटा मिलेगी. ओके सॉरी बीन शेप में दो किडनी रखेंगे आपको मिलेगी, जैसे बीन्स होते हैं ये उसी शेप में आपको मिलेगी. ओके एंड ये आपके जो पेट स्टमक का जो पार्ट होता है, जो नीचे आपकी बॉडी का पार्ट होता है, स्टमक के पीछे की ओर आपको ये दोनों किडनी जो है वो मिलती है. ये क्या करती है? ये जो आपका बॉडी का लिक्विड वेस्ट होता है, जो लिक्विड वेस्ट होता है आपकी बॉडी का, ये क्या करती है उसे, ये उसको फिल्टर आउट करती है. ये उसे फिल्टर करके आपके बॉडी में यूरिन का फॉर्म करती है और उसे फिर आपकी बॉडी से निकाल देती है. ओके यूरिन के फॉर्म में, सो कन्वर्ट करके यूरिन के फॉर्म में जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव कर देती है. और इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी अपनी किडनी को आपको हेल्दी रखना है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ड्रिंक 8 glasses ऑफ वाटर. एक दिन में 8 glasses ऑफ वाटर यू मस्ट ड्रिंक, और मोर देन दैट यू मस्ट ड्रिंक. ओके सो दैट एटलीस्ट ये आपका मिनिमम है बेटा, दैट यू हैव टू ड्रिंक 8 glasses. ओके अदरवाइज यू नीड टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, और वाटर एज मच एज यू कैन, सो दैट योर बॉडी विल बी वॉट, योर किडनीज एंड योर बॉडी विल बी फिट एंड फाइन. ओके ना इससे आपकी किडनी हेल्दी रहेगी. सो ये हमने बात की किडनी की. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक. से द नेक्स्ट ऑर्गन इज बोन्स. ओके बोन्स, बोन्स क्या करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो यू सी आपका जो बॉडी है, आपकी जो पूरा स्ट्रक्चर है बेटा, फिर वो आपका चेस्ट हो, आपका हैंड हो, आर्म्स हो, लेग हो, ये सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके आप वॉट इट इज़ डिवाइडेड, यू विल फाइंड जो आपके चेस्ट की बात हो या फिर आपके हैंड की बात हो, सो आपको एक हार्ड सा फील होता है. व्हेनेवर यू फील यू टच इट प्रेस इट, सो यू थिंक यू विल फील लाइक समथिंग हार्ड सा आपको कुछ प्रेस होगा. इवन आप अगर फिंगर्स को भी टच करते हो तो इस केस में भी. सो ये क्या होता है? ये होते हैं बोन्स. ओके ये क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा आपकी बॉडी में बोन्स, जो हार्ड आपको जो भी हार्ड सा फील होगा आपकी बॉडी में, आपको फील हो रहा है कोई भी और कोई भी बॉडी पार्ट में, फिर आपका आर्म्स हो, फिर आपके हैंड हो, ओके वेदर इट इज योर लेग, सो वो क्या होगा? वो होगा बोन्स. नेक्स्ट थिंग कितने बोन्स होते हैं बेटा? सो अगर हम बात करते हैं एडल्ट की, सो एडल्ट में एडल्ट जो बॉडी होती है, ओके जस्ट लाइक योर पेरेंट्स और योर टीचर, ओके दे आर गोइंग टू हैव हाउ मेनी, दे हैव 206 बोन्स. ओके कितने बोन्स होंगे? 206 बोन्स. अब ये बोन्स जो है ना, सी बोन्स तो हमारी पूरी बॉडी में है, वॉट इफ अगर वो जुड़े ना हो तो, देन द हैंड विल बी लाइक दिस, इट विल बी इन अ डिफरेंट एरिया, और द लेग बोन विल बी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एरिया, राइट डिफरेंट एरिया. सो क्या होता है कि जो आपका बोन होता है वो जुड़ा होता है, जो आपके बोन्स होते हैं पूरी बॉडी में जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ये जो पूरी बॉडी में जो हमारे जो बोन्स जुड़े होते हैं वो हम क्या कहलाते हैं? वो पूरा कहलाता है स्ट्रक्चर हमारा स्केलेटन. ओके
आपने हड्डियों के पूरे ढांचे देखे होंगे, कहीं भी हमें पिक्चर देखी होगी किसी लैब में या फिर डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द स्केलेटन। ओके, सो नाउ स्केलेटन क्या करता है? स्केलेटन आपकी बॉडी को शेप देता है। ओके, जो आपकी बॉडी की शेप है वो कौन देता है? वो स्केलेटन देता है। एंड ये जो आपकी बॉडी है उसको होल्ड करके भी रखता है और क्या करता है कि उसे सपोर्ट भी करता है, सो दैट इट विल बी प्रॉपर फॉर्म। और नेक्स्ट थिंग क्या था कि इट प्रोटेक्ट सॉफ्ट। ये क्या करता है? जो सॉफ्ट आपके ऑर्गन्स है, हार्ट हो गया, आपके लंग्स हो गया, आपका ब्रेन हो गया, उन सबको कौन प्रोटेक्ट करता है? सो वो प्रोटेक्ट करने वाला आपका ऑर्गन है स्केलेटन। ओके, तो ये था हमारा बोन्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है आपका मसल्स। ओके, द मसल्स इज गिवन इन दिस वन। एंड आप जब अपनी बॉडी को टच करोगे सो यू विल फाइंड समथिंग, जब टच करोगे डिफरेंट प्लेसेस यू विल फील समथिंग सॉफ्ट एरियाज। ओके, जस्ट लाइक जब आपका जो बॉडी है अगर आप उसे कुछ एरियाज में टच करो इट विल बी सॉफ्ट। ओके, वो सॉफ्ट जो सॉफ्टनेस फील होती है वो क्या होती है? वो होती है मसल्स की वजह से। किसकी वजह से होती है? वो मसल्स की वजह से होती है। नाउ अब आपकी बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? सो इट इज 600 जो मसल्स हैं वो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं या इससे भी ज़्यादा। ये क्या होती है? ये आपके बोन से अटैच होती है, ये आपके बोन से अटैच होती है। ओके, एंड सो ये आपके बोन्स के थ्रू अटैच होती है एंड ये आपको मूव करने में हेल्प करती है, बोन्स को मूव कराने में ये हेल्प करती है। ओके, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट है कि जब भी आपके मसल्स में जो क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स में, उसके थ्रू आप क्या करते हो? उस आप जो मूवमेंट करता है आपका बोन्स वो कॉन्ट्रैक्शन और एंड रिलैक्सेशन, इसी के थ्रू आप जो है आपकी बोन्स जो है वो मूव करते प्रोसेस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है कि ये जो है ना मसल्स, ये हमारे जो हमारा जो हार्ट है ना वो पूरा मसल्स के थ्रू बना हुआ है, तो ये हमारी बहुत हेल्प करता है उसके उसके स्ट्रक्चर में, उसके शेप में। एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड दैट मसल्स हेल्प अस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो द चैप्टर 3 इज टेलिंग हियर प्लांट्स लाइफ एंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स लाइफ, ओके, प्लांट्स लाइफ एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सो दिस इज द चैप्टर। नाउ इसके हम क्या जानेंगे? इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्लांट्स का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है एंड द नेक्स्ट थिंग कि प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनके पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं। ओके, हर पार्ट कैसे क्या फंक्शन करता है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द इफ यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्लांट। सो क्या क्या पार्ट्स होते हैं अगर आप पार्ट प्लांट्स की बात करो? लीव्स हो गए, ओके, फ्रूट, स्टेम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट, राइट, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये पार्ट्स होंगे, राइट। नाउ कम टू द फ्लावर, और क्या मिलेगा हमें? फ्लावर, बर्ड, जो कलियां होती हैं बर्ड, ओके, ये सब जो कहलाते हैं दे आर नोन एज द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि ओके व्हेन वी टॉक अबाउट कि कौन सा पार्ट, जो कौन सा पार्ट है वो क्या रोल प्ले करता है। सो जब आप प्लांट्स की बात करते हो तो जब आप ये सारी चीज़ें लेंगे, जस्ट रिमूव द रूट फ्रॉम हियर, ओके, आई एम रिमूविंग द रूट फ्रॉम हियर। अब आप देखिए ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना ये कहलाता है शूट सिस्टम। क्या कहलाता है? ये कहलाता है शूट सिस्टम, ये पार्ट्स प्लांट के। ओके, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कि रूट क्या है, सो रूट आपका एक अलग हो जाता है एंड दिस इज नोन एज रूट सिस्टम। सेम नेम है बेटा। सो व्हाट विल बी द थिंग हियर? रूट
सिस्ट. ओके, तो ये दो पार्ट्स है किसके, प्लांट्स के. सो प्लांट्स के कितने सिस्टम्स हो गए, दो सिस्टम्स हो गए. द फर्स्ट सिस्टम इज रूट सिस्टम एंड द सेकेंड वी कैन से शूट सिस्टम. सो शूट सिस्टम इंक्लूड्स लीव, रूट सिस्टम, बर्ड, फ्लावर, दीज थिंग्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग इज रूट सिस्टम. इसकी बात करेंगे हम बात करेंगे प्लांट्स में रूट सिस्टम. ओके, लेट्स सी व्हाट इट इज टेलिंग. अब देखिए जो रूट सिस्टम है वो क्या कह रहा है. द रूट सिस्टम इज टेलिंग कि सो रूट सिस्टम आपका क्या बताता है. देखिए रूट, जो रूट इज द फर्स्ट पार्ट. जब आपका प्लांट से प्लांट है, ओके, ये जो आपका, ये आपका मतलब सरफेस. ओके, ये आपकी जमीन हो गई एंड ये आपका जो सॉइल है, यहाँ पे सरफेस एरिया जो आपका हो गया. ओके, ये आपकी मिट्टी हो गई एंड उसके पीछे के जो पार्ट होते हैं बेटा, व्हाट दे आर नोन एज, दे आर नोन एज द रूट. राइट, दे आर नोन एज द रूट. ये आपका अगर प्लांट है, ओके, अगर आपका ये ऊपर प्लांट है, सो दैट इज द बॉटम पार्ट अंडर द सॉइल इज नोन एज रूट. क्या कहलाता है, ये कहलाता है रूट. अब देखिए जो रूट क्या कहता है, रूट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम द सीड व्हेन इट्स जर्मिनेट्स. जब आपका सीड है जो, ओके, सीड जब होता है वो जर्मिनेट हो जाता है, देन वो क्या बनता है, क्या बनता है, वो दैट कन्वर्टेड टू रूट, वो कन्वर्ट हो जाता है रूट. ओके, नाउ रूट्स क्या करते हैं, रूट्स आपकी जो प्लांट होता है ना, रूट्स प्लांट्स में जर्मिनेट में जो होते हैं वो फॉर्मली टिके रहते हैं, पकड़े होते हैं पूरे पेड़ को, वो एक तरह से सहारा भी प्रदान करते हैं. एंड मिनरल्स, जो भी आपके मिनरल्स हैं, ओके, जो भी आपके मिनरल्स हैं और जो वाटर है, ये देते हैं इसको, ये प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, ये उसके लिए लाते हैं. ओके, जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, जिससे प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है. एंड अब देखिए कितने टाइप के रूट्स होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कितने टाइप के रूट होते हैं. सो द टाइप्स ऑफ रूट. ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ रूट क्या कह रहा है, दैट दो तरह के टाइप्स होते हैं, दो टाइप, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स. फर्स्ट क्या होता है, टैप रूट. ओके, द फर्स्ट इज टैप रूट एंड द सेकेंड इज फाइबरस रूट. द सेकेंड इज फाइबरस रूट. ओके, ये दो तरीके के आपके रूट होते हैं. ओके, नाउ कम टू दिस. जो टैप रूट होता है ना, इज द मेन रूट ऑफ द प्लांट दैट गोज डीप इन टू द सॉइल. सो ये क्या होता है, ये आपका मेन रूट होता है. टैप रूट इज मेन रूट. ये सॉइल में नीचे की ओर रहता है, काफी नीचे की ओर डीप एकदम सॉइल में रहता है. एंड व्हाट इट डज, अब आप क्या, ये क्या करता है, इट मेन, इट्स मेन रूट हैज मेनी ब्रांचेस एंड दैट स्प्रेड आउट. ये जो मेन रूट होता है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जो बाहर की तरफ और जो पूरा फैले होते हैं अंदर जमीन में. ओके, नाउ नीम और जो पीपल जो ट्रीज हैं, नीम एंड पीपल, आपने देखे होंगे ये दोनों ही ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. 24 आवर्स तक ये हमें, पूरे 24 आवर्स ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ये ऐसे ट्रीज हैं, तो ये जो ट्रीज होते हैं इनके कौन से रूट होते हैं, इनके पास कौन से टाइप के रूट होते हैं, तो इनके पास टैप रूट होते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइबरस रूट. अब देखिए फाइबरस रूट जो होता है ना, इसके ब्रांचेज नहीं होती. जैसे ये आपका टैप रूट था, इसकी अपनी अलग से ब्रांचेज निकली होती. ओके, इस तरीके से टैप रूट की ब्रांचेस निकली होती है रूट में. एंड जो आता है आपका फाइबरस रूट, देखिए फाइबरस रूट कैसा होगा, वो इस तरीके से होगा, उसकी भी ब्रांचेस ही होगी रूट से. ठीक है, उसके रूट से ब्रांचेस नहीं होगी, वो सिंपल ऐसे होगा उसमें. सो इनकी जो होती है, वी कैन से डू नॉट हैव ब्रांचेस. सो डू नॉट हैव ब्रांचेस. ठीक है, फाइबरस रूट में ब्रांचेस नहीं होती. और क्या होता है, बट हैव अ ग्रुप ऑफ नियरली इक्वल साइज रूट. इनके जो जैसे आपने देखा, देखिए मोस्टली जो रूट है ना बेटा, वो इक्वल साइज के हैं. यू विल सी दिस मोर
मोस्टली जो है वो इक्वल साइज के होते हैं, जो रूट्स होते हैं फाइब्रस रूट में वो इक्वल साइज के रहते हैं। एंड ये आपको कहाँ मिलेंगे, देखिए क्योंकि ये इक्वल साइज के रूट होते हैं, ब्रांचेस नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते, तो ये आपको मिलते हैं वीट। ओके, जैसे गेहूँ के पौधे हो गए तो ये आपको उसमें मिलेंगे, और उसके साथ साथ अगर आप गेहूँ की बात करें, राइस, राइस में भी आपको ये फाइब्रस रूट मिलेंगे। और टैप रूट किस में मिलेगा, टैप रूट आपको नी और पीपल ये सब ट्रीज में आपको मिलेगा। ओके, सो ये हमने कंप्लीट किया रूट सिस्टम। नाउ कम टू कम एंड टॉक अबाउट सम स्पेशल रूट। अब स्पेशल रूट क्या होते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेशल रूट, एक तरह का रूट होता है बेटा, दैट इज नोन एज द ट्यूबरस रूट। ओके, उसे कहते हैं ट्यूबरस रूट। अब ये ट्यूबरस रूट किस में होता है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रूट, ये आपके उन प्लांट्स में लाइक स्पिनच, ओके, नॉट स्पिनच, टर्निंग, कैरेट एंड सिट्रिजन, रेडिश मूली जो होती है, ओके, कैरेट यानी गाजर, ओके, एंड टर्निंग, इन सब चीज़ों में क्या मिलता है, इन सब जो वेजिटेबल्स हो गए ये सब में क्या मिलेगा, इन सब में आपको ट्यूबरस रूट मिलता है। ओके, नाउ ये बहुत ज़्यादा इनके जो रूट्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, स्टोर लार्ज और लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फ्रूट्स, ये जो है ना ऑफ फ्रूट्स, ये जो ट्यूबरस रूट होते हैं इसमें फूड होता है, सो बेसिकली यू कैन ईट दीज थिंग्स, राइट, ये आप खा सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस ऑफ रूट क्या होता है, सो व्हेनेवर वी से फंक्शंस, तो यानी कि हमें उसके काम बताने हैं, कार्य क्या क्या करता है। सो रूट्स जो होता है, एज आई टोल्ड यू, ये प्लांट्स को फिक्स करके रखता है, ट्रीज को फिक्स करके रखता है, ओके, हाँ, ये फिक्स करके प्लांट को रखता है एक स्थान पे, एंड उसके साथ साथ ये वाटर अब्सॉर्ब करता है, मैंने पहले बताया कि वाटर ये देता है प्लांट को, एंड जो मिनरल्स होते हैं उनको भी ये प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। अब ये सॉइल को बाइंड करके रखता है, सॉइल इरोजन हमने पढ़ा था इन द चैप्टर ऑफ पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। सो ये अगर आपके जो प्लांट्स रहेंगे तो ट्रीज रहेंगे तो उनकी रूट्स जो होती है वो सॉइल को बांध करके रखती है, सो इससे सॉइल इरोजन नहीं होता, हमने पढ़ा था, राइट। अब ये रूट क्या कर रहा है काम, एक और ये बाइंड द सॉइल, ना ये जो फूड है उसको भी स्टोर करके रखता है प्लांट्स के। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ रूट। नाउ टॉक टू द नेक्स्ट थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द स्टेम, लेट्स सी स्टेम क्या करता है। सो स्टेम क्या है, स्टेम प्लांट का वो पार्ट होता है जो ऊपर की ओर बड़ा होता है, यू विल नॉट फाइंड इट। ओके, आपको जब अंदर का जो पार्ट है वो तो रूट हो गया, राइट, ये सब तो रूट हो गए, अब स्टेम जो है वो आपका एक पार्ट है जो ऊपर की ओर होता है, जो प्लांट को सहारा देता है बेसिकली। ये स्टेम क्या करता है, ये प्लांट को वर्टिकली खड़ा रखता है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द वर्टिकल, ये वर्टिकली प्लांट को, ट्रीज को खड़ा रखने में हेल्प करता है, दिस वन। ओके, एंड नाउ अब द स्टेम ऑफ बिग ट्री, ये तो हमने स्टेम की बात की, प्लांट्स में हो गए स्टेम होते हैं, जब बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जैसे नीम हो गया जो लकड़ी वाले पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा, और पीपल हो गया, ओके, और इसके साथ साथ मैंगो ट्री हो गई, उनके जो स्टेम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उनके स्टेम को हम बोलते हैं ट्रंक, क्या बोलते हैं, उनके स्टेम को बोलते हैं ट्रंक। ओके, सो जो बड़े पेड़ होते हैं उनके स्टेम को ट्रंक कहते हैं, और कुछ स्टेम जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं जैसे बनाना, ओके, जैसे बनाने का पेड़, बनाने का जो प्लांट हो गया, ट्री हो गई, वो जो होती है उसके सॉफ्ट होते हैं स्टेम्स, ओके, उनके जो तने होते हैं बेटा वो सॉफ्ट होते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, अब जैसे कुछ होते हैं सम स्टेम्स जो बहुत वीक होते हैं, सो वीक स्टेम्स किसके होते हैं, लेट्स सी, वीक स्टेम्स किसके होते हैं, तो उनमें आ जाते हैं आपके ऐसे प्लांट्स जो कि किसी और के सहारे, जैसे किसी वॉल के सहारे या किसी और पेड़ के सहारे बढ़ते और ग्रोथ होती है जिनकी। ओके, तो जैसे हो गया मनी प्लांट, बहुत लोगों ने अपने घरों में देखा होगा मनी प्लांट, या दूसरे फ्रेंड्स के घरों में देखा होगा मनी प्लांट, के जो स्टेप होते हैं वो वीक होती है, उन्हें सहारा चाहिए होता है फॉर द ग्रोथ। ओके,
नाउ ये दीज प्लांट्स इन्हें क्या कहते हैं, मनी प्लांट को, ऐसे ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, सो दे आर नोन एज क्लाइंबर्स, क्योंकि ये सहारा लेके ऊपर चढ़ते हैं, सो क्लाइंबर्स. ओके, क्या बोलते हैं इन्हें, इन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स. ओके, नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, फंक्शंस. अब फंक्शंस क्या है रूट के, स्टेम के, लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस. तो अब हम बात करेंगे कि फंक्शंस इनके क्या है. जब हम फंक्शंस की बात करते हैं स्टेम के, तो सबसे पहला सपोर्ट है ये. ओके, ये सपोर्ट करता है किसको, प्लांट को, किस चीज में, खड़े रहने में, जमीन के ऊपर स्टे करने में, फर्मली खड़ा रखने में हेल्प करता है. ओके, इसमें क्या क्या होता है, इसमें इसमें ब्रांचेज होती हैं, और क्या क्या रहता है स्टेम में, स्टेम किसको किसको बेयर करता है, लीव्स को, फ्लावर्स को, ये सब चीजें किसमें होती है, ये सब स्टेम के ही पार्ट वाइज चलती है. ओके, एंड इट कैरीज वाटर, जो भी रूट, जो रूट्स आपके होते हैं, जो भी वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके रखते हैं, वो इसे ऊपर पहुंचाता है यहाँ पे पत्तियों के पास एंड पेड़ के सारे ब्रांचेस में उसको पहुंचाता है. एंड सम स्टेम्स स्टोर फूड इन देम, जैसे कुछ जो स्टेम होते हैं उनके अंदर फूड भी होते हैं, जैसे शुगर की, हम लोग उसके स्टेम को ही खाते हैं ना, शुगर की. ओके, एंड नेक्स्ट क्या हो, जिंजर, जिंजर लीव, इट इज ऑल्सो स्टेम होता है जिसे हम खाते हैं. ओके, एंड पोटैटो सबसे ज्यादा यूज होने वाला, मैनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली पोटैटो, दे वॉन्ट टू ईट ओनली पोटैटो, बस मुझे आलू खाना है, दिस इज द थिंग, राइट, ऐसे बोलते हैं. सो ये जो होता है स्टेम, ये सब स्टेम्स का पार्ट है, एंड आप इसे खाते हो, ये फूड भी स्टोर करके रखते हैं ऐसे स्टेम्स. ओके, सो हमने बात कर ली स्टेम की, रूट की, एंड रूट सिस्टम, फंक्शंस ऑफ स्टेम एंड रूट बोथ. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लीव्स एंड फ्लावर्स. ओके, सो फॉर नाउ वी आर डन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.